हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायपोल की कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन ऑपोजिट होंगे। तो हमने बोला दो चार्जेस लिए हमने, एक माइनस क्यू लिया एक प्लस क्यू लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो हमने ले लिया 2a। दो चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, हमने दोनों को कुछ डिस्टेंस पे प्लेस किया है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह एक्ट करेंगे। डायपोल मीन्स दो पोल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड, मैग्नीट्यूड सेम, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a। क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम उनका हाफ करते हैं तो वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में सॉल्व करना कंपैरेटिवली मुश्किल लगता है। तो इसलिए हमने क्या डिस्टेंस ले लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में 2a। तो हमने बोला दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a है। तो टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर, टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर, केप्ट एट अ डिस्टेंस, वो क्या बन जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम, ऑपोजिट साइन, कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गई उसकी स्ट्रेंथ, और स्केलर है या वेक्टर है तो वेक्टर है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होगी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये आ गई उसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मतलब हमारे पास डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम कैसे मेजर करते हैं, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस और उसका मैग्नीट्यूड। पी से रिप्रेजेंट करेंगे क्यू इंटू टू ए, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। क्यू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और टू ए क्या हो गया, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, दो चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर, केप्ट एट अ डिस्टेंस, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट लेंगे। डायपोल मोमेंट को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, किसके इक्वल होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसी में बेस्ड है अब हमारे पास क्वेश्चन, अ चार्ज प्लस क्यू अपीयर्स ऑन हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को देगा, जो डोनेट करता है उस पर कैसा साइन आता है, पॉजिटिव आता है, जो गेन करेगा हमारे पास उसके ऊपर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन ले रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आता है माइनस टू, हाइड्रोजन पे क्या आता है हमारे पास, प्लस वन। तो हाइड्रोजन पे प्लस क्यू आएगा मीन्स वन क्यू, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस टू क्यू। अब हमारे पास मान लो वाटर मॉलिक्यूल
तो हमने बोला ये हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज माइनस टू क्यू, हमने यहाँ पे रखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का चार्ज प्लस क्यू, हाइड्रोजन का चार्ज प्लस क्यू, ये हमने एक ले लिया ऑक्सीजन माइनस क्यू, और हमने लिया हाइड्रोजन, इसका चार्ज कितना हो गया प्लस क्यू। अब उसमें गिवन है क्वेश्चन में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तक का डिस्टेंस आर, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तक का डिस्टेंस आर, हमने लिया प्लस क्यू एक चार्ज, यहाँ आ गया माइनस टू क्यू दूसरा चार्ज, यहाँ फिर से आ गया प्लस क्यू तीसरा चार्ज। बेटा हमें पता है इसका जो बॉन्ड, तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है 105 डिग्री, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 105 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है, माइनस टू क्यू की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ माइनस क्यू और माइनस क्यू, तो मतलब ये माइनस क्यू इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये माइनस क्यू इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू जो आपस में बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, एक डायपोल ये बनाएंगे, एक डायपोल ये बना रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ, हम ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास दो डायपोल्स हो गए, इसका मतलब मेरे पास ये दो डायपोल्स हैं, मुझे फाइंड करना है नेट डायपोल मोमेंट। अब इस डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव पी वेक्टर, इस डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव पी वेक्टर, हमने बोला ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन पी वेक्टर माइनस से प्लस नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो डायपोल मूवमेंट होती है वो ऐसे होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये एक पी वेक्टर आ गया, एक पी वेक्टर आ गया, कैसे, ये है एक पी वेक्टर इस तरफ, ये है एक पी वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है 105। तो अगर मैं एक्स वाई एक्सिस पे चेक करूं तो ये वाला एंगल कितना हो गया 52.5 डिग्री हो गया, हाफ टोटल 105 था, ये हाफ होगा। अब हम करेंगे रिजॉल्व, पी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें जब भी कोई कंपोनेंट ऐसे एक्स वाई प्लेन में लाए कर रहा है मेकिंग सम एंगल थीटा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं, जो थीटा वाली साइड आती है वो आती है पी कॉस थीटा, जो बिना थीटा वाली होती है उसको हम लेते हैं पी साइन थीटा। वेक्टर्स में किया है हमने कि हम रिजॉल्व करते हैं तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन ही देता है हमें, तो दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ अ क्वांटिटी। तो हमने बोला रिजॉल्व करो पी वेक्टर को, कितना एंगल है 52.5, तो ये कितना बन जाएगा पी कॉस 52.5 डिग्री, ये भी पी वेक्टर है, इसकी भी ये वाली थीटा वाली साइड है, तो ये भी हो गया पी कॉस 52.5 डिग्री। पी तो दोनों का सेम ही होगा, कैसे, माइनस क्यू सेम चार्ज, प्लस क्यू सेम चार्ज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सेम है, तो ये तो डिस्टेंस आर है, तो एक पी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी क्यू इंटू आर, इसकी डायपोल मोमेंट, इधर चार्जेस और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर, प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर ये क्यू है और इनके बीच में डिस्टेंस आर है, अगर ये क्यू है इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो क्यू आर हो गई, बट क्योंकि दो डायपोल्स हैं तो रिजल्टेंट फाइंड करनी है नेट डायपोल मोमेंट, हमने बोला रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, इधर आ गया पी साइन 52.5 डिग्री, इधर आ गया पी साइन 52.5 डिग्री, पी साइन थीटा कैंसिल, क्योंकि पी ऑलरेडी सेम है, थीटा भी सेम है, नेट क्या रह गई, नेट रह गई ये वाली, तो नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगी 2 पी कॉस 52.5 डिग्री। तो 2 पी कितना है क्यू इंटू आर, कॉस 52.5 डिग्री कितना है 0.6, तो ये आ जाएगा 1.2 क्यू आर। डायपोल दो चार्जेस, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a, डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट विल बी चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम मीटर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन किया, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, सॉल्व किया तो कितना आ गया नेट डायपोल मोमेंट 2 1.2 क्यू आर। चलिए बाय।